नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लकीज कॉर्नर। पप्पा मेरे घर पधारे हुए हैं 7 दिनों के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं अपने पप्पा को बहुत ही इजी वे में बनाया हुआ मोदक चढ़ाऊंगी, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं फिर मोदक। और दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो बहुत पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना प्लीज नहीं भूलिएगा। नारियल काजू मोदक बनाने के लिए हम लोग को मेन इंग्रेडिएंट चाहिए नारियल का पाउडर। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आप घर में भी बनाना चाहें तो सूखे नारियल को लेके मिक्सर में ग्राइंड कर देंगे तो ये बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार हो जाता है। ये मैंने 3 कप लिया है। 1.5 कप शक्कर लिया है। अगर आप शक्कर ज़्यादा पसंद करते हो मीठा तो 2 कप ले सकते हो। और 1/2 कप काजू पाउडर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। कढ़ाई गरम, गैस पे हम लोगों ने कढ़ाई रखा और ये गरम हो गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग ये नारियल का पाउडर ऐड करेंगे और इसको भुनेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट भुनना है। ये बहुत ही इजी वे है मोदक बनाने का, बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये हम लोग का नारियल का पाउडर बिल्कुल 2 मिनट हो गया है और भून गया है। गैस को हम लोग बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें जो हम लोगों ने शक्कर लिया था चीनी, उसको ऐड कर देंगे। और ये 1 मिनट के लिए हम लोग फिर चलाएंगे। ऐसे चलाते रहिए, इसको रुकना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेगा। चीनी मेल्ट होने लगा। अब इसमें हम लोग 1/2 कप दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के साथ में ही शक्कर मेल्ट होने लग जाएगा। आपको इसको चलाते रहना है, रुकना नहीं है बिल्कुल। जैसे आप दूध ऐड करेंगे शक्कर मेल्ट होने लग जाएगा। गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है। देखिए हम लोग का शक्कर बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम लोग इसको और टेस्टी बनाने के लिए काजू का पाउडर ऐड करेंगे। इसको मैंने घर में ही मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। अब हम लोग ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप केसर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए हम लोग का शक्कर बिल्कुल मेल्ट हो गया है और इसका जो पानी था वो भी सूखने लग गया है। दूध शक्कर सब आपस में मेल्ट मिक्स हो गया है। अभी इसको और 1 मिनट हम लोगों को ऐसे ही पकाना है, फिर हमारा मोदक रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। आपके पास अगर मलाई अवेलेबल हो तो आप मलाई ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था अभी। बस अब इसको 1 मिनट अच्छे से पकाना है और हो जाएगा हमारा मोदक रेडी। ये हम लोग का मोदक का ये जो मिक्सर है बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम लोग गैस के फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। इसमें अगर आपको चाहिए तो केसर डाल सकते हैं या फूड कलर डाल सकते हैं। मैंने ये सब कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि अभी मार्केट सारे बंद हैं तो मुझे नहीं मिला वो सब। चलिए अब गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ मैं। इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। ये हम लोग का जो मिक्सर था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है और इसको हम लोग हाथों से छोटे छोटे से लेके लोई जैसा लेके हम लोग गोल गोल करेंगे और इसको मोदक का शेप देंगे। ऐसे कीजिए और कोई भी चाकू या फिर चम्मच के सहारे ऐसे
करके पूरे मोदक को हम लोग ऐसे बना लेंगे। इसको ऐसे गोल करना है, बहुत ही इजी है। जिसको शेप देना नहीं आता है उन लोगों के लिए भी इजी है, ऐसे करना है। और चम्मच से, चाकू से, टूथपिक से सिर्फ इन लोगों को ऐसे डिज़ाइन दे देना है बस। ये हम लोग का मोदक बिल्कुल तैयार हो गया है बना के। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डेकोरेट करेंगे, क्योंकि गणपति बप्पा को चढ़ाना है और उनको खिलाना है। तो मेरे पास ये किशमिश है और ये गुलाब की पंखुड़ी जिसे मैंने कट करके रखा हुआ है, इसे मैं इसे डेकोरेट करूँगी। अब मैं इसमें ये गुलाब की पंखुड़ी लगा के हो गया है, अब मैं इसमें किशमिश लगा रही हूँ। हाफ कट किया है मैंने किशमिश को। देखिए कितना सुंदर लुक आया है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। ये हम लोग का मोदक है, डेकोरेट भी करके कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हम लोग बप्पा को चढ़ाएंगे ये। और आपको ये मोदक कैसा लगा, आप घर में बनाइए और अपने बप्पा को चढ़ाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा।